हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं में एक नया टॉपिक अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। अपठित का अर्थ है अनसीन। अपठित दो शब्दों के मेल से बना है, अ प्लस पठित, यानी जो पहले न पढ़ा गया हो। गद्यांश, गद्यांश यानी पैसेज। तो बच्चों, आज हम अनसीन पैसेज पढ़ेंगे। बच्चों, अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसे हल करने के कुछ स्टेप्स जान लेते हैं, ताकि आप इसे आसानी से हल कर सकें। प्रथम चरण में हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे। दिया तो यहाँ गद्यांश है, लेकिन गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसके प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। गद्यांश को दो तीन बार पढ़ें और उसका आशय समझें, यानी उसके मीनिंग को क्लियर करें। गद्यांश पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उन्हें साइड बाय साइड मार्क करें। प्रश्नों को गद्यांश के आधार पर हल करें। जो भाषा या जो भाव वहाँ गद्यांश में लिखा है, उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप स्वयं कोई भी उत्तर नहीं बनाएंगे। उत्तर स्पष्ट एवं संक्षिप्त हों। स्पष्ट का अर्थ है क्लियर और संक्षिप्त का अर्थ है शॉर्ट। शीर्षक का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वह चार पांच शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ते समय, कहानी पढ़ते या निबंध पढ़ते समय कभी शीर्षक की ओर ध्यान दिया है कि वह केवल चार पांच शब्दों से अधिक नहीं होता? जैसे बेताल की कथा, पथ की पहचान, समय का सदुपयोग, परिश्रम का महत्व आदि। व्याकरण के आधार पर रेखांकित शब्दों के उत्तर लिखें, यानी गद्यांश में से ही कुछ शब्द चुने जाएंगे जिनके आपको लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम और पर्यायवाची करने होंगे। तो आइए अब चलते हैं पेज नंबर 12 पर। बच्चों, पेज नंबर 12 पर आपको ये गद्यांश मिलेगा। जैसे कि प्रथम चरण में बताया गया था कि हम पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आइए इसकी प्रश्नावली पढ़ते हैं। कवि सोहन लाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? सोहनलाल द्विवेदी जी ने किससे प्रभावित होकर बाल उपयोगी रचनाएं लिखी? भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से कब सम्मानित किया? राष्ट्रकवि सोहनलाल जी की मृत्यु कब हुई? गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। तो आइए अब गद्यांश पढ़ लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंदकी में हुआ था। तो बच्चों, उदाहरण के तौर पर मैंने पहले प्रश्न का उत्तर आपके लिए मार्क करके रखा है। देख सकते हैं कि मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है। तो ऐसे ही बाकी अन्य प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ मार्क करने हैं और अपने बाद में कॉपी पर नोट करने हैं। आगे चलिए। ऊर्जा, बड़ा ऊ ज को आ ऊपर रेव। ऊर्जा मीन्स एनर्जी। चेतना, चेतना मीन्स फीलिंग। प्रणेता, प के पैर में पदेन, अण को ए, त को आ। प्रणेता मीन्स ऑर्थर। राष्ट्रकवि, बच्चों राष्ट्रकवि वह होता है जिसके विचारों से लोगों में, नौजवानों में देशभक्ति की भावना का संचार होता है। उपाधि, उपाधि मीन्स टाइटल। तो ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस प्रणेता को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। महात्मा गांधी के दर्शन से, यानी फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, प्रभावित द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी रचनाएं भी लिखी। सन 1969 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। 1 मार्च सन 1988 को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर निद्रा यानी मृत्यु। तो बच्चों, इसी तरह गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ के आप इस प्रश्नावली का उत्तर देंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 27 पर। 27 पर आपको ये गद्यांश मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ रंगीन शब्द हैं। इन रंगीन शब्दों के मीनिंग्स आपको स्वयं ढूंढने हैं और इसके लिए आप मेघला पुस्तक के अंत में दी गई शब्दावली से भी सहायता ले सकते हैं। तो आपकी सहायता के लिए मैंने इसकी प्रश्नावली लिख कर रखी है, तो जल्दी से आप भी अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ? यहाँ आपको कब का आंसर देना है।
बच्चन जी ने किस प्रसिद्ध कवि की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद किया? रुबाइयां यानी चार पंक्तियों की कविता, अनुवाद यानी ट्रांसलेट। हरिवंश राय बच्चन की चार प्रसिद्ध कृतियों के नाम लिखिए, कृतियों यानी रचनाएं। इन चार शब्दों के विलोम शब्द लिखें, यानी ओपोजिट वर्ड, जन्म, गांव, प्रमुख एवं स्वर्ग। और लास्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। बच्चों, पैरा पढ़कर आपको इस प्रश्नावली के उत्तर ढूंढने हैं, मार्क करने हैं और कॉपी पर करने हैं। तो आइए पेज 92 पर चलते हैं। पिछले गद्यांश की ही तरह इसमें कुछ रंगीन शब्द हैं जिनके मीनिंग्स आपको फिर से ढूंढने हैं और लिखने हैं, और इसकी प्रश्नावली भी है, जल्दी से नोट कीजिए। हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म कहाँ हुआ? अब आपको यहाँ प्लेस बताना है। व्यंग्य को विधा का दर्जा किसने दिलाया? व्यंग्य यानी स्टायर। प्रसाई जी ने कौन सी साहित्यिक मासिकी निकाली? साहित्यिक मासिकी मतलब मंथली मैगजीन। वसुधा एवं निधन का पर्यायवाची लिखिए, यानी वसुधा और निधन के लिए दो दो अर्थ और लिखिए। अंत में गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, ये था पेज नंबर 12, 27 और 92 का गद्यांश, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर अपने शब्दों में और सुंदर लिखाई में कॉपी पर करने हैं। अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।